जैन दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद सैन और आप देख रहे हैं वतन भास्कर न्यूज। कई दिनों से हम अपने क्षेत्र मऊ जनपद के मधुबन में नहीं हैं और इस समय कई सारी समस्याएं आई हैं क्षेत्र में और मैं उस समय मौजूद नहीं रहा, लेकिन हमारे अखबार के रिपोर्टरों के द्वारा लगातार खबरें मिलती रही हैं और हमारे यूट्यूब चैनल वतन भास्कर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। और चूंकि क्षेत्र में नहीं रहने का सबसे बड़ा यह कारण है कि इस समय हम मुंबई में हैं और थोड़ा सफ़र पे निकले हुए थे, मुंबई चले आए और इसके वजह से जो कि मैं क्षेत्र में आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया। और काफ़ी हमने देखा कि देवरांचल में बाढ़ की स्थिति बहुत ही भयावह स्थिति थी और उस समय मैं क्षेत्र में नहीं था और उसके बाद हम अपने रिपोर्टर के माध्यम से वहाँ की सभी गतिविधियों पर नज़र रखते रहे और आप लोगों के बीच हमने खबरों को दिखाने का कार्य किया। जैसे द्वारी घाट में पीपा का जो एक पीपा था बह गया था, द्वारी घाट की तरफ देखने को मिला, पुल में लड़ गया था, उसको भी हमने दिखाया, दर्शकों ने बड़ा पसंद किया, 3.5 लाख से ऊपर उसके व्यू गए थे। और उसके बाद देवरांचल की खबरें थी और वहाँ पे जो हमारे यहाँ के समाजसेवी कमालुद्दीन उस्मानी साहब थे, इनके माध्यम से लगातार लोगों को भोजन कराया गया और करीब डेली लगभग 1500 लोग निःशुल्क भोजन कर रहे थे वहाँ पे। और इनके जो चाहने वाले हैं, कह सकते हैं तरह से, लगातार वहाँ पे समय दे रहे थे, लोगों को खाना पहुँचाने का कार्य उन लोगों ने किया जो भोजन इनके द्वारा वितरण कराया जा रहा था दुबारी की तरफ। और काफ़ी सराहनीय कदम इनका था। और इसी बीच में कल 20 तारीख को फतेहपुर मंडाव ग्राम सभा का लोकपाल के द्वारा जांच भी किया गया और फतेहपुर मंडाव ग्राम सभा की हमने कई बार खबरें आप लोगों को दिखाई है और वहाँ पे जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुँचा हुआ है उसका भी कल खुलासा हुआ। जैसे कुछ लोग कहते थे कि अरे नहीं, फतेहपुर मंडाव में इस तरह का कुछ भी नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ है और कैसे एक साल में इसे करोड़ रुपये का घोटाला हो जाएगा। तो जब लोकपाल महोदया जो हैं विनीता पांडे आनंद कुमार पांडे की शिकायत करने पर उसको संज्ञान में लेकर के जिस तरह से वो फतेहपुर मंडाव में आई थी, जांच किया और जिस तरह से उन्होंने प्रधान को फटकार लगाया, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से फतेहपुर मंडाव में भ्रष्टाचार चरम पे था। इसमें सबकी संलिप्तता है, चाहे वो वीडियो महोदय हो, सेक्रेटरी हो, ग्राम प्रधान हो या ग्राम प्रधान के कुछ करीबी लोग हों, जो लगातार ये कहते रहते थे कि नहीं यहाँ पे तो कैसे इतना पैसा उतर जाएगा। लेकिन कल का जो जांच हुआ, उनका जो स्टेटमेंट था, जो बयान था लोकपाल महोदया का, उस बयान को भी हम सुनवाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बताते हैं कि भुगतान से पहले यानी कार्य होने से पहले भुगतान करा दिया गया, जबकि मनरेगा में ये नियम है कि आप जो है कि कार्य कराने से पहले किसी भी कार्य का भुगतान नहीं करा सकते हैं। लेकिन यहाँ का मंजर कुछ और था और यहाँ जब जांच हुआ लोकपाल महोदया के माध्यम से, तो देखा गया कि किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ग्राम प्रधान जगदीश राजभर के द्वारा उनके करीबियों के कहने पर एक व्यक्ति विशेष को, यानी नियम है कि आप जो है यदि कहीं चक्रोड या चकमारी इस तरह का कोई अगर निर्माण कार्य कराते हैं, उसको बनवाते हैं, तो वहाँ पे मकान होना चाहिए, आवासीय जगह होना चाहिए, सार्वजनिक जगह होना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक आदमी को फायदा पहुँचाने के लिए उनसे पैसा लेकर के, और या जो भी डील हुई हो, बहरहाल मैं डायरेक्ट
नहीं कह सकता हूं कि पैसा लिया हो या न लिया हो, लेकिन बिना मिली भगत और बिना किसी लालच का इस तरह का कोई बड़ा रिस्क नहीं लेता। वहां कोई आबादी नहीं है, उस चीज को भी दिखाऊंगा जहां लोकपाल महोदय जांच कर रही। तो आपको बता दें कि सबसे पहला तस्वीर आप देखिए, ये जो एक व्यक्ति विशेष को जो लाभ पहुंचाया गया था, तो आप स्क्रीन पर देख सकते इस तस्वीर को, और इसके बाद हम लोकपाल महोदया ने क्या कहा उसको भी सुनवाएंगे। तो क्या ये विवादित नहीं होगा? जो प्लाट खरीदा अभी कैसे जमीन दे दिया होगा? एक ही आदमी तो ये रास्ता निकाला होगा। अभी तो जो आवासीय जो भी जिस चीज के लिए खरीदे होंगे वो तो दिए नहीं होंगे। एक व्यक्ति वो प्लाटिंग किया होगा, वो अपना रास्ता निकाला होगा। एक व्यक्ति के लिए सड़क बनाने का कोई है क्या मकसद? बताइए, कोई योजना है इस तरह का? ये सार्वजनिक है तो इस पे आपका काम नहीं करा है। किस पर फेंकवाए मैडम? वहाँ पूल से लेकर स्टेडियम तक क्या फेंकवाए? अभी इसी साल फेंकवाए। इसको क्यों नहीं इंटरलॉकिंग करवा देते हो? क्यों नहीं आप खड़ंजे करवा देते हो? ये मेन है, गांव से मिलता है ये। फतेहपुर में होगा चार इंटरलॉकिंग गाँव में। ये व्यक्तिगत काम के लिए आप लोग पैसा बहुत निकाले हैं, ये बहुत गड़बड़ है। आप लोग इसको भरते रह जाओगे, मैं बता दे रही हूँ। सिर्फ व्यक्तिगत निकला है। आइए, अगर ये यहाँ लगा होता तो आप भी ये अगर ये चीज यहाँ बनी होती तो क्या आपको फायदा नहीं होता? जाने वाले को फायदा नहीं होता? आप ऐसी जगह पैसा लगा रहे हो गवर्नमेंट का, जिससे किसी को फायदा नहीं होता। इस तरह से लोकपाल विनीता पांडे के द्वारा ये बताया जा रहा है, काम किया तभी तो इतना हुआ। लेकिन अगर ये काम मेन जगह पे हुआ होता तो देश के लिए लड़े, उनके यहाँ जाने का रास्ता नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई घर नहीं है। इसका आप इंटरलॉकिंग करा दिए होते, लेकिन नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष को आपने लाभ पहुंचाया, और लाभ पहुंचाने का नतीजा ये है कि आज जांच में आपकी दिक्कतें बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन ये सरासर गलत है। जहां जिसकी पैसा जहां इन्वेस्ट होना चाहिए वहां पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ, तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले अब एक विजुअल हम आपको और दिखाऊंगा, जिसमें एक 102 वर्ष के जो वृद्ध है उनके नाम से पैसा उतर रहा है मनरेगा का, जो काम नहीं कर पा रहा है, उनकी भी एक बार सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। कि ये जॉब कार्ड इनका बना है क्या? सही है, काम करने जाते हैं कि नहीं? उस स्थिति में तो है नहीं, इनसे जान लेता हूँ काम करने का भी जाते हैं कि नहीं। का नाम बता दा? सूर्यराज। सूर्यराज, काम वम करे जाला नरेगा में? अरे हमसे चली फिर नहीं खे जात, खाओ में हम काम करब, हम तो सुसल रही लगा। तो अरे नाम पर पैसा उतार गल एक बेर 3060 रुपया, एक बेर 3480 रुपया, के ई कुल करत बा पता बा कुछ? नहीं हम नहीं खे जान, हम जनता नहीं खे जीता। उम्र कितना बा? 102 बरस। चलिए देख लिए कि 102 वर्ष उम्र है जो सूर्यराज नाम है, जो कि तो देखा आपने कि जो वृद्ध हैं, जो चाचा जी हैं, बाबा कह सकते हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं खाट पे पड़ा रहता हूँ, तो कहीं जाता ही नहीं। लेकिन अब आप ये बताइए कि इस तरह से घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, कैसे सरकार इसको ये कर ले रही है कि आदमी विदेशों में है, घर पे नहीं है, और इस तरह से जो है कि पैसे उतार लिए जा रहे हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। अब जो विदेश से उनके खाते में पैसा आ रहा है, एटीएम से पैसा निकल जाता होगा। और अब थोड़ा आप एक चीज और देखिएगा, अब आपको हंसी आएगी कि जो प्रधान जी हैं जगदीश राजभर जी, इनका भी सुन लीजिए, इनकी लाचारी को सुनिए कि इनकी लाचारी इनके चेहरे से झलक रही है। बताइए भाई प्रधान जी, जनता बहुत होशियार हो चुकी है, उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इनकी भाषा संगीत। अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं फतेहपुर मंडाव ग्राम के राजभर जात का प्रधान हूँ जी। आज किस तरह के जाँच हो रहे थे? ये जितने भी काम मनरेगा का हुआ है पीछे का, उसी का जो है ये सत्यापन हो रहा है। अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी दिख रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग नहीं हैं और बाहर हैं, वो उनके भी खाते हैं। अब देखिए ये इसका अटेंडम जो भरता है,
ये तो इसका जवाब वही दे पाएगा। तो सुन लिया, ये जो जांच कराई जा रही है इसके कहने पे कौन आया था जांच करने के लिए? ये लोकपाल आए थे और गांव के जो है कुछ चुनावी रंजिश को लेकर या कैसे भी लेकर ये विरोधी लोग हैं जो जांच करवा रहे हैं। इसके पहले भी हुआ है और जांच के उपरांत भी मैंने बहुत काम करवाया है और वो सामने दिखाई दे रहा है। जिन्होंने ये जांच कराई, जिनको लगा कि नहीं इतना भारी भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राम सभा में, तो इनको लगा कि नहीं क्यों ना इस ग्राम सभा के मत के पैसे को ग्राम सभा में खर्च किया जाए, क्योंकि कोई राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं और ना ही इनको चुनाव लड़ना है, तो इनके भी दो शब्दों को सुन लिए, सुन ले आप, समझ में आए शायद आपको कि किस तरह से ब्लॉक के लोगों ने आया और जांच किया। लेकिन अभी तक महीनों बीत गए लेकिन अभी तक कोई पर उसका कोई रिपोर्ट नहीं आया। सुनिए इनसे। सरपुर मंडाव ग्राम सभा है मेरी, ये प्रधानी की जांच के लिए हमने शिकायत किया था लोकपाल को, इसके पहले भी कई जगह हो चुकी है शिकायत। मैडम जी आई थी, मैडम जी हर जगह जाकर देखा, उन्होंने जॉब कार्ड पर पहले ज़्यादा फोकस था इन लोगों का, जितने लोगों का जॉब कार्ड बना है लगभग उसमें 90% लोग फर्जी हैं और इन्होंने कहा है कानूनी कार्रवाई करने के लिए। और जो जो कार्य हो चुका है, कुछ कार्य ऐसे हैं जो कार्य हुआ ही नहीं उस पर भी पैसा उतर गया, उन्होंने मैडम ने भी संज्ञान में लिया उसको। अब देखते हैं मैडम क्या करती हैं, अब तो रिपोर्ट लगाने के बाद ही पता चलेगा। क्या आप जांच से संतुष्ट हैं कि हमारे गांव में जांच हो रही है, तो क्या उससे संतुष्टि मिलेगी? नहीं, जांच हो रही है तो संतुष्टि मिलेगी, जब रिपोर्ट सही लगेगी तब संतुष्टि मिलेगी ना, अभी तो नहीं मिल सकती। तो अभी आपको आशा है कि मतलब जब तक रिपोर्ट नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं लगेगी तब तक नहीं, क्योंकि इसके पहले भी ब्लॉक स्तर से जाँच हुई थी, वो सारे पैसा वैसा खा करके बैठ गए, कोई रिपोर्ट वो लगी नहीं। अब यहाँ जिले से जाँच आइए, देखते हैं यहाँ क्या होती है, अगर यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी तो फिर हम जाएंगे मनरेगा आयुक्त के पास। कितने साल से हो रही थी? करीब मान के 7-8 महीने हो गया। हाँ, लोकपाल आयुक्त के भी हमने दिया है और मनरेगा आयुक्त के पास भी दिया है और पहली नंबर को हमको बुलाए गए भाई लोक आयुक्त के पास, तो वहाँ से अगर यहाँ से ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे मनरेगा आयुक्त की भी जांच होगी। तो आपने जो शिकायतकर्ता है अनिल कुमार पांडे जी, उनको भी सुन लिया, आप सुन लिए होंगे कि किस तरह से इन्होंने ब्लॉक से जाँच कराया लेकिन उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। ये आगे तक भी जाएंगे, जिलाधिकारी महोदय तक, मनरेगा आयुक्त तक जाएंगे लखनऊ, और कहीं ना कहीं इनका कथन भी सत्य है। अब देखना ये है कि लोकपाल महोदय अपनी रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत करते हैं, क्या रिपोर्ट दिखाती है, क्या दर्शाती है उसमें, क्योंकि आपने पूरे वीडियो में देख लिया होगा कि किस तरह से महोदय ने फटकार लगाई ग्राम प्रधान को कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे नाली तो पुरानी थी उस पर भी तुमने पैसा उठा लिया। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूँ कि मनरेगा का जो नियम है, मनरेगा में पहले भुगतान नहीं होता भैया, और ये कौन सा सोरस लगा हुआ, कैसे आपने भुगतान करा लिया, इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा, इसका भी कोई माता पिता है कि नहीं पूछने वाला, आखिर प्रशासन कहाँ है, जिलाधिकारी महोदय क्या कर रहे हैं, और ब्लॉक के कर्मचारी, ब्लॉक के जो ब्लॉक के लिए जो नियुक्त किए गए हैं वीडियो खंड विकास अधिकारी जयेश कुमार सिंह जी, आपको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं भैया, कैसे इतने पैसा, कितने प्रधान ऐसे हैं जो काम करा लिए अभी तक उनका पैसा पेमेंट नहीं हुआ, और आप इनका बिना काम किए पैसा जो है कि इशू कर दिए, पैसा उतार लिए, पैसा उतार करके और उड़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि ग्राम प्रधान का पावर क्या होता है, ग्राम प्रधान का कार्य क्या है, इनके अंदर तो दुष्टता भरी हुई है। इससे पहले पुलिस महकमे के लोगों ने कहा था कि बहुत ही भ्रष्ट प्रधान है, वो भी हमने खबर प्रमुखता से दिखाई थी, ये भी खबर मैं प्रमुखता से दिखा रहा हूँ। अब इसमें अब आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं जो दिखाने जा रहा हूँ, लोकपाल महोदय जो बीनिता पांडे हैं, इनकी बातों को आप गौर से सुनिए कि इन्होंने क्या कहा। अब यहाँ आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या प्रधान के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, घोटाला किया गया, इन्होंने उस पर क्या कहा। तो एक बार इनके वीडियो को भी आप लोग सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये नियम समझा रही है। अगर नियम इतना ये बता रही है तो फिर नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है? खंड विकास अधिकारी जयेश कुमार सिंह क्या कर रहे हैं? फिर इनके कर्मचारी जो है, जो एडीओ पंचायत है वो क्या कर रहा है, जो सेक्रेटरी है वो क्या कर रहा है, जो सचिव है, अब एक प्रधान के कंधे के ऊपर रख करके बंदूक कितने लोग चला रहे हैं, आखिर ये मत का पैसा कहाँ जा रहा है? तो सुन लीजिए, लोकपाल महोदया जो आई हुई है, लोकपाल मऊ,
विनीता पांडे किस तरह से बता रही हैं कि जो है कि मनरेगा का पैसा जो है कि बिना कार्य किए उसका भुगतान नहीं होता है। तो सुनिए मैडम, और मैडम इसके बाद क्या इस पर डिसीजन लेती है उसको भी एक बार स्क्रीन पर देखिए वीडियो, आप क्या कह रही हैं। मंडा फतेहपुर ब्लॉक में आता है, वहाँ पे ग्रामीण वासियों ने शिकायत किया था कि मनरेगा कार्यों में बहुत बड़ी मात्रा में धांधली चल रही है, तो मैं उसकी ही जांच करने यहाँ पे आई हूँ। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि जो नाली का निर्माण है इसमें शायद पैसे निकल चुके हैं और अभी कार्य अब ये हो रहा है। तो मनरेगा कार्य में ऐसा है कि कार्य पूर्ण हो जाने के बाद भुगतान होना चाहिए, पहले भुगतान नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्यों में देखने को मिल रहा है भुगतान पहले हो चुका है। अगर देखा जाए मैडम कि जिस तरह से मनरेगा की जो मजदूरी है, जो काम नहीं किए हैं, जो बाहर उनके भी खाते में पैसे जा रहे हैं, क्या मामला है? हाँ, इस तरह की शिकायत और इस तरह की कमियाँ हर जगह मिल रही है कि कहीं मजदूर जो रियल के मजदूर हैं उनके उस तरह के उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो बाहर में रह के कार्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पे हैं, कहीं ऐसे देखने को मिल रहा है कि कहीं विदेश में हैं, किसी किसी गांव में कोई मुस्लिम बिरादरी नहीं है, फिर भी उनके खाते में पैसा जा रहा है, ये धांधली है। तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इनके खिलाफ मैं शासन को सूचना देती हूँ, शासन को अवगत कराती हूँ कि यहाँ यहाँ पे इस कार्यों में धांधली चल रही है, और शासन की तरफ से अगर इसमें कमी पाई जाती है मेरे रिपोर्ट के अनुसार तो जरूर इस पे रिकवरी और कार्रवाई होती है। थैंक यू। तो देखा आपने कि लोकपाल जो है विनीता पांडे जी ने कहा कि इसमें अनियमितता पाई गई है, ऐसा इनके बातों से भी लग रहा है। फटकार लगाई प्रधान को, कार्यों का इन्होंने जांच किया और बाखूबी इसमें देखने को पाया गया कि घोटाला हुआ है। जिस तरह से खड़ंजों पर भुगतान करा लिया गया, कार्य कराने से पहले भुगतान करा लिया गया, एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए जो खेत में जहाँ रास्ता की जरूरत नहीं वहाँ पर रास्ता, प्लाटिंग में रास्ता जो ढिलाई फिरोजपुर के जो प्रधान है पन्नू अंजर उस्मानी जी, उनके खेत में रास्ता फेंक दिया जाए, भैया उससे आपको क्या मिलने वाला था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या इस पे जो लोकपाल महोदया ने अपना जांच आख्या क्या लगाती हैं और इनका स्टेटमेंट क्या आता है और ये क्या इस पे कार्रवाई होती है, इसकी रिकवरी होती है या इसी तरह से कुछ सेटलमेंट कर करके मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। तब तक आप लोगों से एक गुजारिश भी है कि इस समय मैं घर पे नहीं हूँ, सफ़र में निकला हुआ हूँ, इस समय बम्बई में हूँ और यहाँ पे जो समाजसेवी कमालुद्दीन उस्मानी साहब हैं अपने यहाँ बहुत लोगों का उन्होंने मदद किया, तो मुंबई में इस समय मैं उन्हीं के यहाँ आया हुआ हूँ। और एक निवेदन आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं भाई, हमारी मदद करें और इसको शेयर कराएं और लोगों से कहें कि भाई मोहम्मद राशिद हुसैन जी का ये चैनल है वतन भास्कर न्यूज, जो इसको सब्सक्राइब करना है और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरह से मैं खबरें दिखाता हूँ और आप लोगों के लिए जिस तरह से मैं क्षेत्र में लगा रहता हूँ लगातार, तो हमें भी खरीदने का प्रयास किया गया फतेहपुर ग्राम सभा में जांच को लेकर के, लेकिन हमारे जैसा आदमी एकदम डिग रहा और हमने कहा भैया आपका पैसा हमें नहीं चाहिए, उसका भी अगर कोई साक्ष्य मांगेगा तो हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन हमारे खबरों को थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वाने में हमारी मदद कीजिए, आपसे हमारा निवेदन है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाइए हमारी बात को। इस समय हम सफर में हैं और बहुत जल्द आपके बीच में होंगे और प्रमुखता से उन खबरों को मैं उठाऊंगा जो आज के लोग चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं। जैसे इस समय अभी धड़ल्ले से जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर बांटा गया था, बहुत सारे गरीब हैं वो बहुत पड़े हुए हैं ऐसे सिलेंडर, उनको उनके पास क्षमता नहीं, उस तरह की आमदनी नहीं है कि बेचारे गरीब आदमी सिलेंडर में गैस भरवा सके, और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए योजनाओं का भरपूर लाभ उठा सके। तो यहाँ तो बोलने के लिए कुछ है, करने के लिए धरातल पर कुछ है, तो इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक जरूर पहुँचाएँ, और जैसे मैं बम्बई से आता हूँ, मुंबई से जब जैसे ही आता हूँ तो आपको लेटेस्ट वीडियो और भी मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सफ़र हो गया है और अखबार के सिलसिले में भी अपने
थोड़ा सा इधर उधर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि घर नहीं छोड़ेंगे तो फिर कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए जो है कि आप लोगों से दूर रहा, और माफ़ी भी चाहता हूँ कि जो आपदा आई थी दौरांचल में बाढ़ को लेकर के, उसमें भी मैं मौजूद नहीं रह सका, तो इसका हमें खेद है। लेकिन निश्चित तौर पर मैं फिर आ रहा हूँ, तो आपके बीच में फिर आऊँगा। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए वतन भास्कर को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो इसी क्रम में चीज़ मैं और कहूँगा कि जितने भी क्षेत्रवासी हमारे हैं, देशवासी हैं, सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और आप लोग खूब खुशी मन से जो है कि दीपावली मनाइए, और जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। वॉकिंग वगैरह करते रहिए, हमारे समाज सेवी साहब जो है वो बराबर वॉकिंग करते रहते, हम लोग को भी बताते हैं कि वॉकिंग करिए आप लोग, सेहत ठीक रहेगा। तो कहीं ना कहीं इनका कहना बिल्कुल सही है। और आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, और इसी तरह से अगर लाइव कार मिलता रहा तो हमारी चैनल बहुत आगे जाएगी, ग्रोथ करेगी, और इसका श्रेय सीधा सीधा आप लोगों को जाता है। और इसी के साथ आप सभी लोगों को जय हिंद।